दोस्तों, अगर आप रात को गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो मैं आज को बताने वाला हूँ 10 ऐसे चीज जो आपको नाइट ड्राइव को सेफ बना सकता है। तो पहला जो पॉइंट है वो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नाइट ड्राइव के लिए, वो है आपका गाड़ी का हेडलाइट। ठीक है, गाड़ी का हेडलाइट को बिल्कुल भी क्लीन रखिए। कुछ इस तरह से, अगर कुछ देखिए इसमें, मैं अभी गाड़ी चला के आया तो थोड़ा बहुत धूल मिट्टी जम गया, तो इसको अच्छी तरह से साफ कर ले नाइट ड्राइविंग शुरू करने से पहले। ये दोनों हेडलाइट के लिए और वो भी फॉग लाइट के लिए भी, तो ये चीज बिल्कुल पहले क्लीन कर लीजिए। और एक चीज, हेडलाइट तो बाहर से आप चेक कर लिए, लेकिन गाड़ी को स्टार्ट करके घर से निकलने के या फिर अपना जगह से निकलने से पहले गाड़ी को स्टार्ट कीजिए पहले। ठीक है, जैसे मैं अभी गाड़ी को स्टार्ट कर लिया। ठीक है, स्टार्ट करके गाड़ी का हेडलाइट, पार्किंग लाइट, देखिए मैं सब जला के एक बार चेक कर लिया हूं। ठीक है, तो इसी तरह से निकलने से पहले एक बार इसको अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। दोस्तों, दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आपका जो यहाँ पर जो IRVM दिया हुआ है ना, ये एंटी ग्लेयर होता है। मतलब अगर पीछे से अभी जैसा गाड़ी का मेरा पोजीशन है, अगर ऐसा मैं रख के चलाऊं तो पीछे का जो गाड़ी का जो हेडलाइट जो मेरे पीछे से आ रहा होगा उसका हेडलाइट सीधा मेरा आंख पे पड़ेगा, उसीलिए ये बटन दिया हुआ है। तो इसको सही से इस्तेमाल कीजिए। तो इसको आप सही तरह से इस्तेमाल करेगा तो पीछे से जो गाड़ी का जो हेडलाइट है वो आपका आंख में नहीं पड़ेगा। रात के टाइम पे इसको इस तरह से यूज कीजिए ताकि आपके आंख पे डायरेक्टली पीछे गाड़ी का हेडलाइट ना आए। तो IRVM को अच्छी तरह से सेट कर लीजिए। अगर आप काफी देर से रात को ड्राइव कर रहे हो तो आप ज्यादा करके पानी पीजिए। ठीक है, ताकि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो, क्योंकि रात का टाइम पे आप ज्यादा देर तक जब जगे रहते हो ना, आपका बॉडी डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाता है। तो ज्यादा करके पानी पियो। एवरी 2 घंटा या फिर 100 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद थोड़ा सा रुको नीचे, अगर सेफ जगह है किसी पेट्रोल पंप या फिर किसी होटल रेस्टोरेंट में रुको, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लो, हाथ मुंह में थोड़ा सा पानी दे दो, गाड़ी का एक बार इंस्पेक्शन करो, फिर चलो। तो इसी तरह से आप जगे रहोगे, बॉडी को डिहाइड्रेट रख पाओगे। रात को अगर ऐसा कोई जगह है जहां पर आपको टर्न है, मतलब कर्व है या फिर आपको टर्न लेना है, तो वहां पर हमेशा गाड़ी को स्लो कर दो ताकि आपका जो उधर से जो गाड़ी आ रहा है वो आपको दिखेगा नहीं। ऐसे भी दिन के टाइम पे भी नहीं दिखेगा, तो रात के टाइम पे भी और भी ज्यादा कॉशस होना है। तो दोस्तों, अगर सिंगल लेन रास्ता हो तो फिर क्या होता है, आपका जब ऑपोजिट से कोई गाड़ी आता है ना, अगर और वो गाड़ी अगर ड्राइवर उसी तरह का निकला जो हाई बीम में गाड़ी चलाता हो, तो फिर आपका तो हो गया। तो उसीलिए उसको भी अवॉइड करने के एक तरीका है, डायरेक्टली उस हेडलाइट के तरफ बिल्कुल भी मत देखिएगा। आपको थोड़ा सा उस हेडलाइट से दूर रखिएगा, मतलब उसके तरफ देखना नहीं है। तो अगर आप सीधा उसके तरफ देखोगे ना, तो आंख आपका चौंधरा जाएगा और आपको थोड़ा देर के लिए आप पूरा ब्लैकआउट हो जाओगे। तो डायरेक्टली ऑनकमिंग जो ट्रैफिक है उसके हेडलाइट की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना है। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज रहता है नाइट ड्राइविंग के टाइम पे, वो होता है आपका सामने का जो विंडशील्ड, वो एकदम भी क्लियर होना चाहिए। तो गाड़ी जब भी नाइट ड्राइव शुरू करो तो उससे पहले गाड़ी को जो विंड स्क्रीन है उसको अच्छी तरह से क्लीन कर लो, क्योंकि रात के टाइम पे जो भी आपको दिखेगा वो थ्रू विंडशील्ड के थ्रू ही दिखेगा। और विंडशील्ड अगर गंदा हुआ तो भाई, तो फिर आपको लग गए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका गाड़ी का वाइपर। ठीक है, वाइपर मतलब आपका जो ये जो शीशा जो क्लीन करने वाला जो होता है ना, इसको इसका जो जो जहां पर पानी हम लोग स्टोर करते हैं वहां पर बिल्कुल पानी डाल के पूरा भर के रखिए विंड स्क्रीन क्लीनर के साथ। साथ में जो आप जिस कंपनी पर गाड़ी है उसका तो रिकमेंडेड अगर कुछ क्लीनर है तो वो डाल के रखिए, क्योंकि आपका जो विंडशील्ड क्लीन करने में वही आपको काम पे आएगा। और रात का टाइम पे इतना धूल और विजिबिलिटी अगर गड़बड़ा हो गया तो सब खत्म, तो फिर पानी पूरा डाल के रखिए अंदर में। और एक जो है आप डिफेंसिव ड्राइविंग भी काफी ज्यादा जरूरी होता है नाइट ड्राइविंग के टाइम पे, क्योंकि अननेसेसरीली देखो विजिबिलिटी तो बहुत ज्यादा मैटर करता है आपको गाड़ी चलाते वक्त। दिन का टाइम पे जो विजिबिलिटी रहता है जितना दूर तक आप देख सकते हो, रात का टाइम पे वो विजिबिलिटी घट जाता है। ठीक है, क्योंकि आप पूरा पूरी रिलाई करते हो अपने हेडलाइट के ऊपर। जो इससे पहले मैं जो पॉइंट बताता, मेरे लिए पहला पॉइंट वही था हेडलाइट को। और तो डिफेंसिव ड्राइविंग के बारे में बात कर रहा था, अननेसेसरीली ओवरटेकिंग या अननेसेसरीली रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। रात के टाइम पे आराम से गाड़ी चलाओ, ज्यादा से ज्यादा तो 5 मिनट देरी होगा, लेकिन डिफेंसिव ड्राइविंग ही आपको अच्छी तरह से सेफ तरह से वन डेस्टिनेशन टू अरे अलग डेस्टिनेशन पे आपको पहुंचा सकता है।
अगर इस तरह से किसी रास्ते पे जा रहे हो तो अपना जो हाई बीम है ना उसको वाइजली यूज करो, क्योंकि उल्टा सिंगल लेन रास्ता है तो उधर से जो अपोजिट डायरेक्शन से जो ट्रैफिक आ रहा है ना उसका भी आप ख्याल रखो। ऐसा नहीं जो पूरा हाई बीम में करके गाड़ी चलाए। तो अगर हाईवे में खाली रास्ता नहीं मिलता है तो हाई बीम का जितना हो सके कम उपयोग कीजिए, तभी जाके आप मतलब आप खुद भी सेफ रह पाओगे, जो सामने का जो गाड़ी जा रहा है उसको भी सेफ रख पाओगे आप। तो विजिबिलिटी के लिए ये काफी ज्यादा जरूरी है जो अपोजिट डायरेक्शन से जो ट्रैफिक आ रहा है उसके लिए। भाई देखो अभी मैं सिग्नल पे खड़ा हूँ और मैं अपना हेडलाइट को जो है मैं वो ऑफ कर दिया, लेकिन सामने देखो अपोजिट डायरेक्शन में एक कार खड़ा है, देख रहे हो। मैं क्यों बोल रहा था हाई बीम को वाइजली यूज करो, देखो वो पूरा हाई बीम ऊंचा करके खड़ा हुआ है और मेरा आप मोबाइल पे देख सकते हो मेरा आंख का क्या हालत हो रहा है। तो हमेशा हाई बीम को वाइजली यूज कीजिए। और दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोग को लगा है जो मैं टिप्स बताया हूँ जो नाइट ड्राइविंग कैसे करना है, अगर ये आप लोग को यूजफुल लगा है तो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा।